भूषण ज्वेलर्स। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश की जयराम सरकार ने फिजूल खर्ची का रिकॉर्ड तोड़कर पौने पांच साल के कार्यकाल में 30,000 करोड़ का नया ऋण लिया है, जिससे प्रदेश आज दिवाली के कगार पर खड़ा है। सरकार आय के संसाधन बढ़ाने में पूरी तरह विफल रही है। प्रदेश की जनता भाजपा सरकार के मिशन रिपीट को मिशन डिफीट में बदलेगी। बुधवार को द्रंग के बधोनीधार में चौहार घाटी मंडल कांग्रेस कार्यकर्ता की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार की जन विरोधी नीति से जनता हताश, मायूस और निराश है। कांग्रेस सरकार ने जब सत्ता छोड़ी प्रदेश को 45,000 करोड़ का कर्ज था, जिसमें 10 साल पूर्व की प्रेम कुमार धूमल और शांता सरकार का कार्यकाल भी रहा। आज प्रदेश सरकार पर 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। जयराम सरकार ने कर्ज पर कर्ज लेकर प्रदेश की वित्तीय दशा बिगाड़ कर रख दी है। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दरंग के हटगलू में जितने भी विकास कार्यों के उद्घाटन किए हैं, वे सब कार्य उनके वक्त में मंजूर होकर तैयार हुए थे। मिनी सचिवालय का कार्य युद्ध स्तर पर उस वक्त शुरू हुआ था। भाजपा सरकार इस कार्य को भी 5 साल में पूरा नहीं कर पाई और अधूरे भवन का उद्घाटन कर दिया। और उसके साथ ही जो जयराम ठाकुर जी कल यहाँ हमारे दरंग के हटगड़ू में आए और उन कार्यों का उद्घाटन किया जो मेरे द्वारा शिलान्यास किए गए थे, मेरे द्वारा जिसके पैसे का प्रावधान किया गया था, बजट का प्रावधान किया गया था, और उन्हीं का उन्होंने उद्घाटन करके और लोगों को ये कहा कि 40 साल में जितनी सड़कें दरंग मैंने कैसी 5 साल में बना दी। मैं जयराम से पूछना चाहता हूँ, चलो सड़कों के नाम गणाएँ, कहाँ कहाँ सड़कें, कौन कौन सड़कें बनाई, लोगों को गौरव कर रहे हैं। और ये जो 75 साल का अमृत महोत्सव बना रहे हैं, 50 करोड़ का खर्च इन्होंने इसके लिए रखा है। सरकारी खर्चे पर लोगों से वोट मांगे जा रहे हैं, सरकारी खर्चे पर सरकारी कर्मचारियों को बुलाया जा रहा है, आंगनवाड़ी वर्करों को बुलाया जा रहा है, आशा वर्कर को बुला रहा है, पंचायतों के सचिवों को बुलाया जा रहा है, महिला मंडलों को बुलाया जा रहा है, और सरकारी बसें लगा करके जो है उनको यहाँ ढोया जा रहा है और पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। एक तरफ तो उन्होंने आर्थिक तौर पर हिमाचल को दिवाली के कगार पर खड़ा कर दिया है, दूसरी तरफ फजूल खर्ची करके इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया, जयराम ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, इनका को है अधिकारियों पर कोई जो है निमंत्रण नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है, नौकरशाही बेलगाम है। आज IAS अफसर आपस में उलझे हुए हैं, एक चुनौती दे रहे हैं कि कैसे ये चीफ सेक्रेटरी बना दिया है, जबकि ये प्रेरोगेटिव सरकार का होता है। इस तरीके से जयराम सरकार जो है हिमाचल की जनता इनसे जो 5 साल का कार्यकाल रहा है हताश है, मायूस है, निराश है, आज महंगाई चरम सीमा पर है। इस दौरान ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष बामन देव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष फूप सिंह, चौहार घाटी मंडल अध्यक्ष घनश्याम, लेखराम ठाकुर, कहन सिंह, रामलाल, रमेश ठाकुर सहित पंचायत प्रतिनिधि और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस पार्टी दरंग में 2 बड़ी जनसभाएं करेगी, जिसमें एक पद्धर और दूसरी जनसभा का आयोजन टकोली में किया जाएगा। इसके साथ ही दरंग में युवा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें 18 से 40 वर्ष तक के युवा भाग लेंगे। महिला सम्मेलन के आयोजन को लेकर कार्य योजना बनाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ENTV। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए ENTV के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।